95% मुकाबले को जीत चुका था राजस्थान, लेकिन फिर आखिरी ओवरों में ऐसे पलटा मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में मिली हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे, लेकिन फिर आवेश खान के कमाल के सामने राजस्थान ने घुटने टेक दिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको आखिरी ओवर और साथ ही इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले में हारी हैं। तो दोस्तों पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स के बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम 4 साल के बाद अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाली थी, यानी कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह मुकाबला शुरू हुआ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला संजू सैमसन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर रही थी। बल्लेबाजी करने के लिए उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से काइली मायर्स और केएल राहुल। पारी की शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से की, लेकिन पहला ओवर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से काफ़ी शानदार रहा, जहाँ पर मेडन ओवर के साथ बेहतरीन शुरुआत की ट्रेंट बोल्ट ने, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक चौका देखने को मिला काइल मेयर्स के बल्ले से। लेकिन दोस्तों ये कैच था जहां पर ड्रॉप जरूर हुआ था, लेकिन यहां पर पहला चौका जरूर मिला। इसके बाद केएल राहुल ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाया और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में एक एक चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा काइल मेयर्स ने, और इस मुकाबले का पहला छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने एक ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और फ्लैट 6 लगा। इसके बाद केएल राहुल ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर लगाया। इस बार भी उन्होंने कमाल का शॉट खेला था। इसके बाद एक और शानदार कैच केएल राहुल का जरूर छूटा, लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की 4थी गेंद पर एक और शानदार छक्का काइल मेयर्स के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए जेसन होल्डर की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से। लेकिन दोस्तों इसके बाद युजवेंद्र चहल जब 9वां ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर शानदार छक्का काइल मेयर्स के बल्ले से देखने को मिला, तो दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया और यहाँ पर स्वीप के जरिए एक और शानदार चौका बटोरा। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने भी कमाल का शॉट खेला और स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को 103 मीटर बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि 103 मीटर का शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की 4थी गेंद पर जेसन होल्डर ने राजस्थान रॉयल्स को पहली सफलता दिलाई और शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को जोस बटलर के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा। यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल, लेकिन 32 गेंदों पर 39 रन बनाकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आयुष बदोनी आए और आयुष बदोनी गए, क्योंकि आयुष बदोनी को ट्रेंट बोल्ट ने बोल्ड करके पेवलियन भेजा। इस मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट का यह पहला विकेट था, लेकिन आयुष बदोनी यहां पर भी कुछ खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी सेट बल्लेबाज कायली मेयर्स के ऊपर थी, तो उन्होंने 13वें ओवर की 4थी गेंद पर शानदार चौका लगाया। कंवर की तरफ एक लॉपटेड शॉट खेलते हुए उन्होंने चौका बटोरा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर यजवेंद्र चहल के एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और इस IPL की ये उनकी 3rd 50 थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों दीपक हुड्डा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बेहतरीन कैच सिमरन हेटमायर ने किया और रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान को एक और सफलता दिला दी। यहां पर दीपक हुड्डा 4 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की 4थी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की गेंद पर आते ही शानदार चौके के साथ खास खाता खोला मार्कुस टोइनिस ने, और यहां पर स्वीप रिवर स्वीप के जरिए चौका लगाया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने बोल्ड करके पेवलियन भेजा शानदार बल्लेबाजी कर रहे काइल मेयर्स को। मेयर्स ने 42 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की शुरुआत हुई टाइम आउट के बाद, तो इस ओवर में एक चौका देखने को मिला मार्कुस टोइनिस के बल्ले से। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ आगाज किया इस ओवर का
निकोलस पोरन ने। तो वहीं पर उस छक्के के बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका फ्लिक के जरिए देखने को मिला फाइन लेग की तरफ। दो गेंदों पर अभी इस ओवर में 10 रन बना चुके थे, जबकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका बटोरा। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा ने मार्कस टोइनिस को संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा। यहां पर मार्कस टोइनिस सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हुए 16 गेंदों पर। तो इसके बाद यहां पर कुणाल पांडे आए तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया। ये उनका कमाल का शॉट था, लेकिन इसकी अगली गेंद पर वो सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर शानदार थ्रो के चलते सैमसन ने रन आउट किया निकोलस पोरन को, जिन्होंने 20 गेंदों पर 28 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर भी एक और रन आउट हुआ। यहाँ पर यदुवीर सिंह रन आउट हुए, जो कि एक गेंद पर एक रन बना कर पेवलियन लौटे, और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 154 रनों पर रोक दिया। वहीं पर इस 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल तो उनके साथ थे जोस बटलर। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर को संभल कर खेला। तो वहीं पर दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला इस मुकाबले का। मिड ऑफ की तरफ उन्होंने काफी शानदार शॉट खेलकर एक चौका बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल का शॉट यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, और उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया। मिड विकेट की तरफ खेले हुए इस शॉट में उन्होंने शानदार छक्का लगाया और इस ओवर में राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 रन बटोरे। तो वहीं पर इसके बाद फिर से एक और चौका पाँचवें ओवर की पहली गेंद पर युद्धवीर सिंह की गेंद पर आया, जब यशस्वी जायसवाल ने शानदार कट शॉट के जरिए एक बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोस बटलर, जो कि काफ़ी देर से शांत थे, लेकिन उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर युद्धवीर सिंह की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, और दोस्तों ये छक्का डीप मिड विकेट की तरफ 112 मीटर दूर जाकर गिरा। कमाल का छक्का था उनके बल्ले से देखने को मिला, और 112 मीटर दूर जाकर गिरी गेंद। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब छठा ओवर डालने आए आवेश खान तो उनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। हालांकि इस बार कैच ड्रॉप जरूर हुआ था नवीन उलहक से, लेकिन यहाँ पर चौका जरूर मिला यशस्वी जायसवाल को। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की छठी गेंद पर भी यहाँ पर शानदार शॉट खेलते हुए जोस बटलर के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, और राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए एक और शानदार ओवर आ गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सातवें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ राजस्थान रॉयल्स ने 50 रन पूरे किए। तो वहीं पर आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई की गेंद को शानदार तरीके से चौके की तरफ भेजा लॉन्ग ऑफ की तरफ से शानदार चौका लगाया जोस बटलर ने। तो इसके बाद दोस्तों नौवा ओवर डालना है मिश्रा की तीसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए शॉर्ट थर्डमैन की तरफ से शानदार चौका लगाया रिवर्स स्वीप खेलते हुए जोस बटलर ने। इसके बाद दोस्तों ग्यारहवा ओवर डालने आए एक बार फिर मिश्रा तो उनकी पहली गेंद पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला जोस बटलर के बल्ले से, और इस बार भी उन्होंने कमाल का शॉट खेला। इसके बाद दोस्तों यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 81 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन 12वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मार्कस टोइनिस की गेंद पर काफ़ी शानदार छक्का जड़ा। इस बार उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दर्शकों में समाहित किया गेंद को। वहीं लेकिन इसी ओवर की अगली गेंद यानी कि 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन में आवेश खान के कमाल के कैच ने पेवलियन भेजा यशस्वी जायसवाल को। इसके बाद संजू सैमसन उतरे, लेकिन दोस्तों संजू सैमसन मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बने और रन आउट होकर पेवलियन लौट गए। इस मुकाबले में संजू सैमसन ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और चार गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद जोस बटलर और हेटमायर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कस टोइनिस की गेंद को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे जोस बटलर भी। रवि बिश्नोई ने उनका बेहतरीन कैच किया और सबसे बड़ा विकेट यहां पर मिल गया लखनऊ सुपर जायंट्स को। जोस बटलर इस मुकाबले में 41 गेंदों का सामना किया और 40 रन बनाकर पेवलियन लौटे। अब राजस्थान को 34 गेंदों पर 55 रनों की जरूरत थी, तभी दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सिमरन हेटमायर, लेकिन वो भी एल राहुल को कैच थमा बैठे और आवेश खान का शिकार बने। इस मुकाबले में सिमरन हेटमायर भी 5 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बनाकर चलते बने। इसके बाद शायद राजस्थान रॉयल्स की बड़ी गलती थी कि उन्होंने खेलने के लिए भेजा यहां पर
रियान पराग को, लेकिन दूसरे छोर से सेट बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। यहाँ पर शानदार रवि बिश्नोई की गेंद पर, तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी यहाँ पर मार्कुस टोनिस की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन तरीके से चौका लगाने में कामयाब हुए थर्ड मैन की तरफ देवदत्त पड्डीकल। देवदत्त पड्डीकल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वही एक बेहतर उम्मीद थी राजस्थान रॉयल्स की। तभी यहाँ पर दोस्तों 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार शॉट खेला। यहीं पर अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ मुकाबला मुड़ता तो नजर आ रहा था, जब 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने शानदार छक्का लगाया और कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को डीप मिडविकेट की तरफ 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर मुकाबला थोड़ा रोमांचक आया, जब 7 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे, लेकिन तभी यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए नवीन उलक ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद डॉट निकाल दी। अब 6 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे राजस्थान रॉयल्स को, जबकि अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रियान पराग, जो कि एक फिनिशर के तौर पर इस टीम की तरफ से खेल रहे हैं। 20वें ओवर की शुरुआत राजस्थान के लिए काफी शानदार हुई, जो पहली गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया आउटसाइड ऑफ की गेंद को खेलते हुए रियान पराग ने, लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरी गेंद पर वो सिर्फ सिंगल ही ले पाए। अब स्ट्राइक आ चुकी थी देवदत्त पड्डीकल के पास, लेकिन देवदत्त पड्डीकल तीसरी गेंद पर कुछ खास नहीं कर पाए और बल्ले का एज लगकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और राजस्थान रॉयल्स की टीम को बड़ा झटका लगा। देवदत्त पड्डी 21 गेंदों पर 26 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल आए, जिन्हें आखिरी 3 गेंदों पर 14 रन बनाने थे, लेकिन उन्होंने कमाल का शॉट जरूर खेला, लेकिन यहां पर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग रही दीपक हुड्डा की और बाउंड्री लाइन के ऊपर काफी शानदार कैच किया ध्रुव जुरेल का दीपक हुड्डा ने और पेवलियन भेजा ध्रुव जुरेल को, जो कि सिर्फ एक ही गेंद का सामना कर पाए और गोल्डन डक पर ही आउट हो गए। ये खिलाड़ी वो था जो अगर पहले आते तो शायद मुकाबले को पलट सकते थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं रहा, आखिरी दोनों गेंदों पर एक एक रन बना और राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा और इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला कहाँ पर गंवाया? मेरे हिसाब से तो इस मुकाबले में ध्रुव जुरेल ऊपर बल्लेबाजी करते तो पासा जरूर पलट सकते थे। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।